जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके बिहार ने मोदी को फंसा दिया। एनडीए या इंडिया, किसे होगा जातिगत जनगणना से फायदा? क्या पिछड़ी जाति वाले राग के जवाब में मोदी लाए गरीब वाला दाव? जाति की चिंगारी क्या उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जाएगी? जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी, क्या मिल पाएगी उसे उतनी भागीदारी? सवालों की लंबी फहरिस्त है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। राहुल से लेकर मोदी तक सबका एंगल समझाएंगे। बस इस धांसू रिपोर्ट से नजर मत हटाइएगा। डिटेल में जाने से पहले इतना कहेंगे, एनएमएफ न्यूज की स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबा लिया है तो जातिगत जनगणना का जाल भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता चौधरी। 2024 के चुनावों से पहले बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के उलझे जाल के आंकड़ों को जारी करके नई बहस छेड़ी। बहस ये कि क्या पूरे देश में जातिगत जनगणना का टाइम आ गया है। इस बहस में आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस लीड लेने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि जातिगत जनगणना के नाम पर पूरे देश में जो बहस दिन प्रतिदिन चलेगी, उससे इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा हो सकता है और सत्ता में लौटा जा सकता है। राहुल गांधी अपने हर भाषण में ये कहना नहीं भूलते कि देश में 90 केंद्रीय सेक्रेटरी में सिर्फ 3% ओबीसी हैं, जो सिर्फ 5% बजट को हैंडल करते हैं। हालांकि राहुल के राग से उलट कांग्रेस ही नहीं, समूचे इंडिया गठबंधन से अलग अलग दलीलें आ रही। सबसे पहले बात कांग्रेस से ही उठ रही दो जुबानों की कर लेते। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के कई छुटके बड़के नेता परेशान हैं। वो गांधी परिवार के डर से खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन हर दूसरे दिन विरोध के स्वर उठी जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना का आंख मूंद कर समर्थन करने की बजाय इससे होने वाले फायदे और नुकसान का आंकलन कर लेना चाहिए। हालांकि बाद में आलोचना होने पर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेस के अंदर जातिगत जनगणना के विरोध में दूसरा बड़ा ट्वीट आया बिहार कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा का। अनिल शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, आश्चर्यजनक बात यह है कि 2011 की जनगणना के मुकाबले सभी जाति की संख्या बढ़ी है, सिर्फ सवर्ण जातियों की संख्या घटी है, ये कैसे हो सकता है? बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने का हम स्वागत करते हैं। हमने जो रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट में लगभग अन्य सभी जाति और समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसमें सवर्ण जातियों की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से घटती हुई नजर आई है। मुझे जितनी जानकारी है कि 2011 के जनगणना में बिहार में जब 10 करोड़ के आसपास आबादी थी, तब तो सवर्ण जातियों की आबादी लगभग 17% थी, और अभी जो 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है, और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें, वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह एक मैनिपुलेटेड जनसंख्या की रिपोर्ट है, जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें, और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं, ताकि बिहार में यह जो सिद्ध नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वह कार्यान्वित हो सके और बिहार में तमाम लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाजमी तौर पर उन समुदायों में असंतोष होगा। बिहार में अनिल शर्मा अगर जातिगत जनगणना के विरोध में झंडा बुलंद किए हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पार्टी लाइन से डीरेल होकर बयानबाजी में बिजी हैं। जैसे कृष्णम ने ट्विटर पर लिखा, जातिवाद की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर ठाकुर, बामन और भूमिहारों ने नीतीश जी को अपना नेता माना और 8 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लगता है अब इस भयंकर भूल का गया जी में तर्पण करने का समय आ गया।
जातिगत जनगणना के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच भी अंदर ही अंदर असंतोष की ज्वाला सुलग रही है। कांग्रेस के अंदर कुछ उसी तरह के हालात हैं जैसे मंडल आंदोलन के वक्त थे। तब जनार्दन द्विवेदी जैसे नेताओं ने खुलकर आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के अंदर का पूरा सवर्ण नेतृत्व आरक्षण के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और आज भी कांग्रेस के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और दक्षिण के उच्च जाति के नेता जातिगत जनगणना के खिलाफ। अब चलिए बात करते हैं डॉट वाले इंडिया गठबंधन के अंदर जातिगत जनगणना के खिलाफ असंतोष। मुंबई की बैठक में जब ये बात आई कि हमें पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग करनी चाहिए तो ममता बनर्जी उखड़ गई। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल में जातिवाद नहीं चलता, बंगाल का समाज जातिवाद को कभी कबूल नहीं करेगा। आज भी ममता बनर्जी जाति के आधार पर जनगणना के खिलाफ है लेकिन वो इस पर बयान देने से बच रही है। इंडिया गठबंधन में जातिगत जनगणना पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। हाँ, जातिगत जनगणना के पक्ष में राहुल गांधी, खड़गे के अलावा लालू, नीतीश और अखिलेश यादव भी हैं, ये स्पष्ट है। अब इन सबसे अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग एंगल है। मोदी कहते हैं देश की सबसे बड़ी जाति गरीब की है, वो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। मोदी का स्टैंड मतलब बीजेपी का स्टैंड मतलब साफ है, बीजेपी जाति के जाल में नहीं फंसेगी, अलग गरीबों की लाइन पर चलेगी। जातिगत जनगणना इंडिया की तरफ से मंडल पार्ट 2 की तैयारी सी लगती है लेकिन क्या वाकई में देश 1990 की तरह एक बार फिर मंडल कमंडल में बटने को तैयार है? इन 3 दशकों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है, बड़े पैमाने पर इंटरकास्ट शादियां हो रही है और शहरों में कोई पूछता भी नहीं है कि तुम कौन जात हो। बिहार और यूपी के ग्रामीण इलाकों के अलावा शायद ही किसी को कोई फर्क पड़ता हो कि किसकी क्या जाति है। हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है? बिहार के लिए करना होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सभी जातियों कर एक भी बात हम कर सबके हित में काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं करना, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करोगे। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था, जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे लेकिन बिहार में हम लोगों ने जातीय आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 84-85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें।